करहल थाना क्षेत्र के ग्राम कमलपुर में बीते 4 अगस्त रात्रि के समय खेतों में ले जाकर एक अधेड़ व्यक्ति को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह अन्य एक साथी की तलाश में जुटी हुई है। गांव के ही रहने वाले प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू दुबे का शव गाँव से कुछ दूर खेतों में पड़ा मिला था। प्रेम प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि सोनू की मां से प्रेम प्रकाश के अवैध संबंध थे, जिसको लेकर कई बार प्रेम प्रकाश को समझाया गया, लेकिन प्रेम प्रकाश बाज नहीं आ रहा था। इसी बात को लेकर सोनू और उसके पिता राम नरेश ने एक और साथी रक्षपाल के सहयोग से रात के समय जब वो खेतों में था तभी गोली मारकर प्रेम प्रकाश की हत्या कर दी गई थी। 4 तारीख को शाम को एक गोली मिली थी और जो बाद में बबलू प्रेम प्रकाश दुबे के रूप में इसकी पहचान हुई थी। मुकदमा थाना करहल पर पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक करहल द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ट्रेडिशनल पुलिसिंग और अन्य पूछताछ से ये भी अब बात प्रकाश में आई कि इस घटना को जो है सोनू पुत्र राम नरेश और राम नरेश पुत्र श्यामलाल इन्होंने रक्षपाल सिंह पुत्र श्री किशन के साथ मिलकर अंजाम दिया था। घटना का मुख्य कारण ये था कि सोनू की माँ से मृतक के संबंध थे। आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त कर जेल भेजा गया। सर, इन पर कोई इनाम वगैरह भी घोषित किया गया था क्या? ये कोई पहले के अपराधी नहीं थे और इन्होंने ये घटना इस कारण से की थी कि उसके माँ के और मृतक के संबंध थे। अपनी इज्जत को बचाने के लिए इन लोगों ने घटना कारित की। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।